हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आज हमारे साथ है DSR इलेक्ट्रिक ऑटो। अब ये जो ऑटो है अभी कंपनी ने इसे लॉन्च किया है। इसमें आपको कई सारे फीचर्स मिलते हैं जो आपको दूसरे ऑटो में देखने को नहीं मिलता है। इसी की आज हम लोग रिव्यू करेंगे और बताएंगे इसके प्राइस, माइलेज, फीचर्स, स्पेक्स और आप इसे फाइनेंस वगैरह कैसे करा सकते हैं और कम से कम कितना डाउन पेमेंट देना होगा। ये तमाम सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, तो बने रहिए आखिर तक इस वीडियो में। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो यहाँ पे हमारे सामने है DSR इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा। अब ये जो ऑटो रिक्शा है देख सकते हैं यहाँ पे आपको काफी खूबसूरत लुक के साथ आता है। सबसे पहले अगर बात करें इसकी चाबी की तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको दो चाबियां मिलती हैं कुछ इस तरह का, देख सकते हैं जिसमें आपको कुछ इस तरह का ब्रांडिंग देखने को मिलता है। बात करें इसकी फ्रंट लुक की तो देख सकते हैं यहाँ पे जो इसकी फ्रंट लुक है ये आपको काफी शानदार देखने को मिलेगा। कहीं कहीं आपको बजाज ऑटो का ये याद दिलाता है, लेकिन जो इसका फ्रंट लुक है टोटली यहाँ पे चेंज किया गया है। फ्रंट में देखिएगा तो यहाँ पे आपको काफी बड़ा सा इसका विंड स्क्रीन मिल जाएगा, सिंगल वाइपर इसमें मिलता है इसे क्लीन करने के लिए। और इधर देखिएगा तो यहाँ पे मिलता है आपको प्रतिष्ठा ऑटो सेल्स की यहाँ पे ब्रांडिंग की गई है। यहाँ पे आपको नंबर वगैरह दिया गया है, अगर चाहते हैं आप इस ऑटो को लेना तो यहाँ पे आप संपर्क करके इस ऑटो के बारे में तमाम सारी जानकारियां भी ले सकते हैं। और अगर साइड में देखिएगा तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको ब्लैक कलर के ORBMs और नीचे तरफ मिल जाएगा यहाँ पे आपको हैलोजन के फॉर्म में यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर लाइट मिल जाएगा और यहाँ पे मिल जाता है आपको नंबर प्लेट लगाने का स्पेस। इस साइड देखिएगा तो यहाँ पे मिलता है आपको DSR का बैजिंग जो कि क्रोम फिनिश के रिंग के साथ आता है। और अगर बात करें इसकी हेडलाइट सेटअप की तो यहाँ पे आपको हैलोजन नहीं, यहाँ पे आपको काफी प्रीमियम सा LED लाइट का हेडलाइट सेटअप देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको छोटा सा DRL लाइट भी देखने को मिल जाता है। इधर देखिएगा तो यहाँ पे मिलेगा आपको एक छोटा सा हॉर्न। और इस ऑटो का खास बात यह है कि ये जो है गाड़ी फाइबर में नहीं है, टोटली आपको फुल्ली मेटल बॉडी के साथ देखने को मिलता है। फ्रंट का फेंडर देखिएगा ये भी आपको मेटल बॉडी में मिलने वाला है। और अगर बात करें इसकी फ्रंट की टायर की तो यहाँ पे आपको मेट्रो का टायर मिलता है। टायर साइज की अगर बात करें तो फ्रंट में मिलता है आपको 4 00 10, यानी फ्रंट में आपको 10 इंच के टायर मिलेंगे और पीछे मिलता है आपको 4 50 10, यानी पीछे का जो टायर है थोड़ा सा आपको वाइडर देखने को मिलता है और यहाँ पे मिल जाएगा आपको थोड़ा सा पतला टायर आगे की तरफ, लेकिन जो टायर है आपको टोटली 10 ही इंच के मिलने वाले है। फ्रंट में मिलता है यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक और यहाँ पे आपको मिलता है हेलिकल स्प्रिंग शॉक सस्पेंशन। इस ऑटो में देखिएगा तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको डबल शॉक सस्पेंशन देखने मिलता है जिसके कारण ये जो गाड़ी है काफी ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो ये जो ऑटो है देख सकते हैं यहाँ पे जो इसकी फ्रंट लुक है ये आपको काफी खूबसूरत इस ऑटो में देखने को मिलता है। बात करें इसकी साइड प्रोफाइल की तो देख सकते हैं यहाँ पे जो इसकी साइड प्रोफाइल है, साइड से अगर आप देखिएगा तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको बिल्कुल ही बजाज ऑटो की तरह यहाँ पे इस ऑटो का लुक जो है निकल के आता है। आपको यहाँ पे मिलता है साइड में इसका पार्किंग लीवर और यहाँ पे मिल जाएगा आपको एक स्टेपनी टायर। इस साइड देखिएगा तो यहाँ पे आपको ड्राइवर के लिए काफी कंफर्टेबल सीट मिल जाता है और काफी कंफर्टेबल यहाँ पे आपको इसका जो बैकरेस्ट है कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। केबिन भी आपको दिखलाऊंगा, पहले आपको कुछ इस तरह का लुक दिखला देता हूँ। यहाँ पे आपको मिल जाता है एक छोटा सा फायर एक्सटिंग्विशर, ये आपके सेफ्टी के लिए काफी अच्छी बात हो जाती है। इस साइड देखते हैं तो मिलता है यहाँ पे आपको येलो कलर का ग्रैब हैंडल जिससे आपके जो पैसेंजर है वो पकड़ के बैठने में आसानी होती है पैसेंजर को। इधर देखिएगा तो छोटा सा आपको मिलता है यहाँ पे ट्रांसपेरेंट विंडो, ब्लू और व्हाइट का कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको काफी खूबसूरत देखने को मिलता है। इस साइड देखिएगा तो जैसे बजाज ऑटो में गेट आता है उसी तरह का यहाँ पे आपको गेट मिल जाएगा। इधर मिल जाएगा देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो मैंने बता दिया, इधर मिलते हैं आपको 4 50 10, यानी 10 इंच का टायर मिलेगा लेकिन थोड़ा सा आपको वाइडर मिलता है। पीछे मिलेगा आपको ड्रम ब्रेक, आगे आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जो इसका फेंडर दिया गया है मडगार्ड, ये भी आपको मेटल का मिलेगा और यहाँ पे मिल जाता है आपको DSR की ब्रांडिंग। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको इस ऑटो में साइड प्रोफाइल मिलने वाला है। बात करेंगे इसकी बैक प्रोफाइल की तो देख सकते हैं यहाँ पे जो इसकी बैक प्रोफाइल है आपको पीछे से भी काफी खूबसूरत ये इलेक्ट्रिक ऑटो देखने को मिलेगा। पीछे देखिएगा तो यहाँ पे भी आपको ट्रांसपेरेंट विंडो मिल जाएगा और पीछे तक जो इसका टेल लाइट सेटअप है ये आपको हैलोजन में मिलता है। जी हाँ, यहाँ पे आपको LED नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको हैलोजन में इसका टेल लाइट सेटअप मिलता है। यहाँ पे मिल जाएगा आपको ब्रेकिंग लैंप, पार्किंग लैंप और यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर लाइट, यानी 3 लाइट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है।
और यहाँ पे मिल जाता है आपको स्मार्ट का बैजिंग। ये जो मॉडल है DSR कंपनी का, यहाँ पे आपको इसका मॉडल नेम लिखा हुआ है स्मार्ट। और नीचे तरफ देखिएगा तो यहाँ पे आपको व्हाइट कलर का बम्पर मिल जाएगा, यहाँ पे भी आपको DSR का ब्रांडिंग मिलता है। पीछे तरफ कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको गेट दिया गया है। गेट को अगर आप जैसे खोलिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं काफी अच्छा बिल्ड क्वालिटी के साथ इसका जो मेटल बॉडी है इसे इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे बैटरी देखिएगा तो यहाँ पे मिलता है आपको 72 वोल्ट की बैटरी मिलती है, जो कि 100 Ah का है। बैटरी कैपेसिटी आपको 100 Ah की मिलेगी। अगर आप इसे फुल चार्ज करते हैं लगभग आपको 4 से 4.5 घंटे इसे फुल चार्ज करने में लगता है। तो यहाँ पे आप अपने लगभग 100 से 120 किलोमीटर तक की आसानी से यहाँ पे रेंज निकाल सकते हैं। नीचे देखिएगा तो यहाँ पे आपको 3000 वाट का यहाँ पे मोटर देखने को मिलेगा कुछ इस तरह का। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको बैटरी और मोटर इसमें देखने को मिलता है। बात करें इसकी पैसेंजर साइड केबिन की, देख सकते हैं यहाँ पे आपको काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है। पीछे भी देख सकते हैं यहाँ पे आप अपने लगेज वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ टूल्स वगैरह इसमें देखने को मिलता है, जिसे अपने चाहे तो स्टेपनी टायर वगैरह को भी आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। और कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको ड्राइवर केबिन देखने को मिलेगा। याद होगा आपको अगर आपने बजाज ऑटो का इस्तेमाल किया है तो इसी तरह का यहाँ पे आपको स्पेस मिलता है। यहाँ पे 3 लोग आसानी से बैठ सकते हैं और आगे एक ड्राइवर के लिए यहाँ पे सीट दिया गया है। ये जो ऑटो है आपको 3+1 फिटिंग कैपेसिटी के साथ देखने को मिलता है। अब आइए बात करते हैं इसका जो ड्राइवर साइड केबिन है वो आपको मैं दिखलाता हूँ। उससे पहले देख सकते हैं यहाँ पे आपको फ्लोर मैट भी इस ऑटो में मिल जाता है। ड्राइवर साइड केबिन की बात करें तो देख सकते हैं आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का काफी बेहतरीन साइज का यहाँ पे आपको हैंडल मिलता है। हैंडल बार के ऊपर देखिएगा तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको छोटा सा एक स्पेस। इधर मिल जाएगा आपको टर्न इंडिकेटर लाइट, हाई बीम लो बीम का स्विच मिल जाएगा। इधर देख सकते हैं यहाँ पे आपको न्यूट्रल और रिवर्स का यहाँ पे देख सकते हैं न्यूट्रल रिवर्स और ड्राइविंग मोड का यहाँ पे आपको स्विच मिलेगा। यहाँ पे मिल जाएगा आपको एक्सेलेरेटर, इस साइड मिलता है आपको हॉर्न का स्विच, यहाँ पे आपका लाइट और वाइपर का स्विच मिल जाता है। और इस ऑटो में आपको 2 ग्लोव बॉक्स मिलते हैं, देख सकते हैं एक यहाँ और एक यहाँ पे आपको 2 ग्लोव बॉक्स मिल जाएंगे, जिसमें अपने चाहे तो सामान वगैरह पैसा या डॉक्यूमेंट्स वगैरह आसानी से रख सकते हैं। इस साइड मिल जाएगा आपको 5 वोल्ट का यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट मिलता है, देख सकते हैं टाइप ए पोर्ट मिलता है, जिसमें आपने सिर्फ केबल लगा के आसानी से मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा हाइजेड लाइट का स्विच और यहाँ पे आपको मोड का बटन मिल जाता है। इसमें आप अपने इको मोड और जो बूस्ट मोड है यहाँ से आप अपने चेंज करके अपने हिसाब से चला सकते हैं। और अगर बात करें इसकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। देख सकते हैं यहाँ पे आपको TFT डिस्प्ले मिलता है, जो कि आपको कोई भी ऑटो दूसरे ऑटो में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इस ऑटो में आपको TFT डिस्प्ले देखने को मिलता है। इसमें आप अपनी स्पीड देख सकते हैं, ऑडोमीटर देख सकते हैं, ट्रिप वगैरह देख सकते हैं, रेंज कितना बाकी है वो देख सकते हैं और बैटरी का लेवल भी यहाँ पे आपको बताता है। देख सकते हैं यहाँ पे आपको अभी 87% यहाँ पे बैटरी दिखला रहा होगा और कौन सा मोड में चल रहा है वो भी मिल जाएगा देखने को। और यहाँ पे टाइमिंग देख सकते हैं, यहाँ पे अभी 3:26 हो रहा है तो यहाँ पे आपको टाइमिंग भी दिखला रहा है, तो ये काफी अच्छी बात हो जाती है। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको ड्राइवर साइड केबिन मिल जाएगा। ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो इसका स्पेस है ये भी आपको यहाँ पे काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। ओके, और अगर बात करें इस ऑटो की रेंज की तो यहाँ पे लगभग आपको 100 से 120 किलोमीटर तक की रेंज इसमें देखने को मिलेगी और इसकी जो बैटरी है उसे लगभग आपको 4 से 4.5 घंटा चार्ज करने में लग जाएगी। गाड़ी की अगर वारंटी की बात करें तो यहाँ पे आपको बैटरी की जो वारंटी है वो लगभग 3 साल की मिलती है और 1 साल की चार्जर और 1 साल की मोटर कंट्रोलर की वारंटी इसमें मिलती है। इसमें बैटरी जो है आपको 100 Ah का मिलता है, जो कि 72 वोल्ट के साथ आता है। और अगर बात करें इस ऑटो की प्राइस की, अगर इस ऑटो की प्राइस आप जानना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप यहाँ पे कॉल करके इस ऑटो का प्राइस जान सकते हैं। लेकिन जो इसका मिनिमम डाउन पेमेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, लगभग आपको 80,000 से लेके 1,00,000 रुपये तक यहाँ पे डाउन पेमेंट करना होगा, उसके बाद आप इस ऑटो को आसानी से फाइनेंस करा सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करते हैं तमाम सारी जानकारी आपको इस ऑटो रिक्शा की हमारे वीडियो के थ्रू मिल चुकी होगी। अगर चाहते हैं आप इस ऑटो को लेना, अगर आप देख रहे हैं इसे वीडियो को आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, तो आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं प्रतिष्ठा ऑटो सेल्स आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। यहाँ पे आप इस नंबर पे कॉल करके इस गाड़ी का टोटल जानकारी यहाँ पे ले सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करते हैं तमाम सारी जानकारी आपको इस वीडियो के थ्रू इस ऑटो रिक्शा की मिल चुकी होगी। इसी के साथ खत्म करते हैं आज का ये वीडियो, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।